Good morning, everyone. Today is 1st May 2021 और डे है सैटरडे. तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 का आज हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपने जो वो इसको फिगर्स में लिखना है, वर्ड्स में जो वो ये दिया हुआ है. ध्यान रखें इंटरनेशनल में बोला है तो आपको पता होना चाहिए वंस ग्रुप आता है, फिर थाउजेंड ग्रुप आता है, फिर जो वो मिलियंस ग्रुप यहाँ पे आता है. ठीक है, तो इसमें जब वो थ्री थ्री होते हैं डिजिट, जैसे वंस टेन हंड्रेड, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड, फिर हंड्रेड थाउजेंड, फिर यहाँ पे मिलियन टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन. ठीक है, ऐसे जो ये चलता है थ्री थ्री के गैप में, थ्री थ्री के बाद जो वो कॉमर्स लगता है. ठीक है, तो आपने भी ऐसे थ्री थ्री के बाद जो वो कॉमर्स लगाना है. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 385, तो 385 लिख लिया मैंने 385. आपको पता है कि थ्री के बाद कॉमर्स लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा लिया. फिर इसने बोला है थाउजेंड 109, तो 109 लिखा, खत्म. ए हो गया वंस वाला ग्रुप, ए हो गया थाउजेंड वाला ग्रुप. आपको पता है कि वंस वाले ग्रुप में भी थ्री आएंगे और थाउजेंड वाले ग्रुप में भी थ्री आएंगे. तो थ्री थ्री तो हमारे पास पहले से ही दिए हुए थे, जैसे 385 दिया है, पूरे डिजिट दिए हैं, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है. आगे बोला है इसने 109, तो 109 में भी थ्री डिजिट पूरे हैं. ठीक है, तो ऐसे आपने इसको लिखना है जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है. एक बीच में से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे डी है 593, तो 593 लिखा. आपको बताइए थ्री बाद कॉमर्स लगेगा, थ्री के बाद, थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगेगा. ठीक है, फिर लिखा इसने 1204, तो 204 लिखा. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपने इसको करना है. लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में बोला इसने 800008. ठीक है, इसमें जो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, जैसे 800 बोला है इसने, 800 तो 800 बोला है. आपको बताया कि 800 का मतलब है 800, क्योंकि आगे नहीं बोला है इसने, तो 00 लगा लेंगे 800. फिर जब वो कॉमा, फिर यहाँ पे बोला है इसने 1008. अब 8 ही लिखेंगे आगे, क्योंकि थ्री दो तीन डिजिट होंगे, तो 20 जो वो हमें इससे पहले लगाना पड़ी. ठीक है, ऐसे इसको करेंगे आप. चलिए एक और लेते हैं बीच में से, जैसे ई वाला पार्ट है 984, तो 984 लिख लिया मैंने 984. फिर आपको बताया कि तीन के बाद कॉमा लग गया, तीन डिजिट के बाद. आगे लिखा है इसने 1009. अब 1000 के बाद जो वो वंस ग्रुप में जो वो तीन डिजिट आते हैं, लेकिन इसने सिर्फ 9 बोला है, तो आपको 20 यहाँ पे लगाना पड़ेगी. तो ऐसे जो वो इन क्वेश्चन को करिए. आज के लिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन काफी है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.